वेलकम बैक एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक मॉक टेस्ट के बारे में जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा कि इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था हाउ टू मेजर वेरिएबल्स, यानी चरों का मापन कैसे किया जाए। मैंने उसके बारे में आपको लगभग सभी कुछ बताया था। तो आज के इस वीडियो में मैंने सभी वैसे ही प्रश्न शामिल किए हैं जो कि मेजरिंग वेरिएबल से संबंधित हैं। तो अगर आप वास्तव में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही करना चाहते हैं तो आप इसके पहले उस वीडियो को अवश्य देख लीजिए। मैंने उस वीडियो का लिंक आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उसे देख सकते हैं। और अगर आप पहले से कॉन्फिडेंट हैं, अगर आप मेजरिंग वेरिएबल्स को समझते हैं, तो फिर आप इस मॉक टेस्ट को शुरू कीजिए। देखिए, मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आपने बस 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बस सॉल्व कर लिए और कितने सही कितने गलत कर लिए, ऐसा केवल यही नहीं होता है। मॉक टेस्ट को सही से सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपके सामने जो भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं उसमें चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए कि क्या पूछा गया है, ओके ना। उसके बाद उन सारे पॉइंट्स को नोट कीजिए कि आपको उनमें क्या नहीं आता है, है ना। अगर इस तरह से आप चीज़ों को कवर करके चलेंगे तो 100% मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। मॉक टेस्ट आपको एक रियलाइजेशन करवाएंगे कि यार मुझे अभी ना क्या पढ़ने की नीड है, क्या पढ़ने की नीड नहीं है। इसलिए मॉक टेस्ट को केवल उस तरह से मत कीजिए कि बस मुझे ना इस किताब से, जैसे आप किसी किताब से भी पढ़ते होंगे तो उसकी बात कर रहा हूँ, आप किसी किताब को इतना क्वेश्चन कवर कर लिए हैं या फिर किसी यूट्यूब पर आपने इतने वीडियोस देख लिए हैं, दैट इज़ नॉट सफिशियंट। अगर आप 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करें, लेकिन उन सभी को ना इस तरह से सॉल्व कीजिए कि आपको पता चल जाए कि हाँ ऐसा है इसलिए है, ऐसा नहीं है इसलिए नहीं है, इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। अगर आप इन सभी चीज़ों को कोरिलेट करेंगे, एक दूसरे से जोड़ेंगे, तो निश्चित ही आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छे से डेवलप होगी और आप ज़्यादा चीज़ों को सीख सकते हैं। तो आज के वीडियो में ये सभी प्रश्न हैं, आप इसको अच्छे से समझिए और मैं आपको आंसर बताऊँगा, आप उसको भी अच्छे से समझिए, सुनिएगा। और बेसिक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोल दूं, आपके साथ ये होता होगा साइकोलॉजिकली, जब YouTube पर आप किसी मॉक टेस्ट को देते हैं, किसी वीडियो को देखते हैं, या फिर कहा जाए जब आप किसी बुक से भी पढ़ते हैं, तो कई बार आपने ऐसा फील किया होगा कि अगर थोड़ा सा भी सोचने पर आपको उत्तर नहीं आता है तो तुरंत से आप क्या करते हैं, आप या तो अपनी बुक में आंसर देखना चाहते हैं या फिर यूट्यूब पर आप ये वेट करते हैं कि टीचर आपको जल्दी से आंसर बताए, है ना। तो ध्यान रखिए, उस टाइम पे जब आपका सब्र टूटने लगे कि नहीं यार मतलब आंसर देख लेते हैं या फिर टीचर जल्दी से आंसर बता दे, उस समय थोड़ा धैर्य रखिए। वही ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आप ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल प्रोसेस कर सकते हो, तो मेंटल प्रोसेस जरूर करिएगा, बिकॉज योर ओन मेंटल प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना ज़्यादा खुद से चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे उतना ही ज़्यादा आसानी से सीख सकते हैं। यहाँ पर ऐसा न करने का, यानी मेंटल प्रोसेस न करने का नुकसान ये होता है कि आपको तुरंत तो लगता है कि हाँ टीचर ने बोल दिया, इसका आंसर ये हो गया, आपको लगता है हाँ आगे समझ में आ गया, बट इन एग्जाम टाइम पर आप मेंटल प्रोसेस नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको भी उस टाइम पे वही टेंडेंसी रहती है कि यार आंसर मिल जाए, क्योंकि आप जैसा पहले करते आए हैं बिना मेंटल प्रोसेस किए, या तो जल्दी से बुक में आंसर देख लिए हैं या तो आपने टीचर से जल्दी से आंसर सुन लिया है। सो स्टॉप वीडियो को रोकिए, क्वेश्चन को पढ़िए, सही गलत जो भी आए सोचिए कि क्या हो सकता है, उसके बाद आप अपना उत्तर दीजिए अच्छे से और उसके बाद सही उत्तर को चेक करिएगा। फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूँ कि दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, एग्जाम में इसका फ़र्क पड़ता है। आप हो सकता है कि मेरी बात को ना समझें, बट ये कंडीशनिंग होती है जहाँ पर आपका ब्रेन ऐसी कंडीशनिंग कर लेता है कि आंसर टीचर बोलेगा या जल्दी से बुक में देख लो, आपका ब्रेन आगे मेंटल प्रोसेस नहीं करना चाहेगा। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, ये बात बस मैं आपसे शेयर करना चाहता था बिकॉज ये महत्वपूर्ण है। ऐसा होता है कि ब्रेन आपका प्रोसेस नहीं करना चाहता है और आप जल्दी से आंसर को सुनना चाहते हो, सो प्लीज़ स्टॉप दिस टेंडेंसी, आप खुद से मेंटल प्रोसेस करना शुरू कीजिए। सो अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं। तो यहाँ पर आपके सामने जो सबसे पहला प्रश्न है, इसमें बोला गया है इफ़ द ग्रेडिंग ऑफ डायबिटीज़ इज क्लासिफाइड एज माइल्ड
सॉरी कमा मॉडरेट एंड सीवियर, इसके बाद द स्केल ऑफ मेजरमेंट यूज्ड इज, इसमें बताना है कि कौन सा स्केल यूज करेंगे, है ना। आपने पहले पढ़ा होगा कि आपके चार तरह के स्केल होते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बताया था, तो इसमें से बताना है कि कौन सा आपका स्केल यूज करेंगे जब डायबिटीज को माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में क्लासिफाइड किया जाता है। तो देखिए मैं इसमें आपको आंसर बता दूंगा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपके मॉक टेस्ट में। आप अच्छे से और समझना चाहते हैं डिस्क्रिप्टिव रूप में तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, मैंने उसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी ऑर्डिनल। अब यहाँ पर आप खुद से क्वेश्चन कीजिए क्या है, कैसे, क्यों है, आप चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है जिसमें बोला गया है स्केल विच कैटेगराइज इवेंट्स इन कलेक्टिवली एग्जेस्टिव मैनर एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर इज क्लासिफाइड एज। यानी इसमें पूछा गया है कि कुछ इवेंट्स को जब कैटेगराइज किया जाता है किसी एक संपूर्ण रूप में, और तो उसे हम क्या बोलते हैं ये बताना है। जैसे ना आपको मैंने एग्जाम्पल बार बताया था जो पहले वीडियो अपलोड किया था कि हम कुछ सर्टेन चीज़ों को किसी एक ग्रुप में बना के क्लासिफाई करते हैं, तो वो सब कैसे होता है और हम इसमें किस स्केल में रखेंगे, यहाँ पर ये पूछा है। तो देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका दैट इज ऑप्शन डी नॉमिनल स्केल। कौन सा नॉमिनल स्केल, क्या, कैसे, क्यों है, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, इसमें पूछा गया है मेजरमेंट स्केल इन विच वैल्यूज आर कैटेगराइज्ड टू प्रेजेंट क्वालिटेटिव डिफरेंस एंड रैंक्ड इन मीनिंगफुल मैनर क्लासिफाइड एज। ओके, हमें ऐसा मेजरमेंट स्केल बताना है जिसमें हम वैल्यूज़ को कैटेगराइज करते हैं और हम उनको क्वालिटेटिव डिफरेंस के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और उनको हम मीनिंगफुल रैंक देते हैं। तो इसको बताना है इसका सही उत्तर क्या है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी ऑर्डिनल स्केल। कौन सा ऑर्डिनल स्केल। तो यहाँ पर आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि जो आपका ऑर्डिनल स्केल होता है, कौन सा, जो आपका ऑर्डिनल स्केल होता है इसमें चीज़ों को हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और सर एक मीनिंगफुल ऑर्डर भी देते हैं। ध्यान रखिए ऑर्डिनल स्केल में हम एक मीनिंगफुल ऑर्डर भी देते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है ये है कि यहाँ पर जो हम मीनिंगफुल ऑर्डर देते हैं उसमें जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस सर्टेन नहीं होता है, यानी निश्चित अंतराल नहीं होता है, इसको ध्यान रखिए। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैंने बोल दिया फर्स्ट, इसके बाद बोल दिया सेकंड, इसके बाद बोल दिया थर्ड, तो एक हमने इसे मीनिंगफुल ऑर्डर दे दिया कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है, लेकिन इसमें इस बात का निश्चित पता नहीं होता है कि फर्स्ट और सेकंड में जितना अंतर है क्या वो सेम डिफरेंस सेकंड एंड थर्ड में भी है, इसमें ये क्लियर नहीं होता है। तो ध्यान रखिए इसमें जो मीनिंगफुल मैनर में जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें जो डिफरेंस होता है वो सर्टेन नहीं होता है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है जिसमें पूछा गया है टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेरिएबल मेजर्ड ऑन द फॉलोइंग स्केल। ये बताना है कि टेम्परेचर जो फॉरेनहाइट है वो किस स्केल में आएगा, मैं इसके बारे में आपको बताया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इंटरवल स्केल। कौन सा, इंटरवल स्केल। इसके बाद आपके सामने ये फिफ्थ क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेटा मेजर्ड ऑन इंटरवल एंड रेशियो स्केल। देखिए मैं आपको सभी के बारे में बताया हूँ और आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन है, प्लीज़ रीड दिस केयरफुली एंड ट्राई टू फाइंड व्हाट्स द डिफरेंस। अगर आप सिंपली इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल का जो डेफिनेशन उसी को समझते हैं तो भी आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। वैसे मैं बताऊँ इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन डी, आ रेशियो स्केल हैज अ ट्रू जीरो पॉइंट। ओके, रेशियो स्केल में आपको मालूम होगा कि ट्रू जीरो पॉइंट होता है, सो जीरो ऑन द स्केल कॉरस्पॉन्ड्स टू जीरो द कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग मेजर्ड। तो आप इसे ध्यान रखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इसमें कहा गया है ऑर्डिनल स्केल हैव द प्रॉपर्टी ऑफ। ओके, यानी इसमें कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो ऑर्डिनल स्केल की है ये बताना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी रैंकिंग,
यानी ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है, रैंकिंग होती है और कैटेगराइजेशन तो होता ही है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें कहा गया है द ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट इज रिप्रेजेंटेड इन विच वेरिएबल बिलू, यानी इनमें से कौन सा आपका जो ऑर्डिनल लेवल मेजरमेंट में आएगा ये बताना है। तो देखिए ऑर्डिनल में क्या होता है, ऑर्डिनल में हम चीज़ों को कैटेगराइज कर सकते हैं, रैंक दे सकते हैं, ये तो होता है ना। और मैं आपको अभी बताया था ऑर्डिनल में जब रैंक देते हैं, जो डिफरेंस करते हैं, तो उसमें सर्टेन डिफरेंस नहीं होता है कि दो चीज़ों के बीच में कितना अंतराल है, ये निश्चित नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका एक ऑप्शन है टेम्परेचर, इसके बाद फियर ऑफ क्राइम, इसके बाद इनकम, इसके बाद जेंडर। सोचिए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, फियर ऑफ क्राइम। आप समझ सकते हैं जो फियर ऑफ क्राइम है, इसमें हम बोल सकते हैं कि थोड़ा या उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं, उससे भी बिल्कुल नहीं, है ना, ऑर्डर दे सकते हैं इसमें, तो आपका फियर ऑफ क्राइम में है ये, इसमें सर्टेन वैल्यू नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें बोला गया है द वेरिएबल मैरिटल स्टेटस हैज रिस्पॉन्सेस मैरिड, डाइवर्स, विडो और नेवर मैरिड, व्हाट काइंड ऑफ वेरिएबल इज इट। तो बताना है ये किस तरह का वेरिएबल है। तो आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन हैं, आप इनको पढ़िए और सोचिए कि सही उत्तर क्या हो सकता है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, कैटेगरिकल वेरिएबल, यानी हम क्या जो मैरिटल स्टेटस है उसको हमने कैटेगरीज कर दिया है ना, बस मैरिड, डाइवर्स, विडो और नेवर मैरिड। तो ये आपका आता है किस में आता है, कैटेगरिकल वेरिएबल में आता है। ऐसे ही आपने उसके बारे में पढ़ा होगा जो मैंने जो पहले वीडियो बनाया था उसमें एग्जाम्पल दिया था ब्लड ग्रुप का, ए बी है ना, और ए बी ओ, उस तरह के जो मैंने दिए थे। तो किसी इसे हम नॉमिनल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉमिनल, में केवल नाम देते हैं, यानी स्पेसिफाइड सेट ऑफ ऑप्शंस होते हैं इसमें बस। तो ये आपका आएगा ऑप्शन डी करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें कहा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल वेरिएबल्स कैन नॉट बी रैंक्ड, इसमें हम किसको रैंकिंग प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप सोचिए इसमें सही उत्तर क्या हो सकता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका दैट इज ओनली ऑप्शन बी, ओनली 4। आप जानते हैं कि नॉमिनल स्केल पे हम रैंकिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, तो आपका इसमें बी उत्तर सही होगा। तो इस तरह से आपके सामने ये कुछ MCQ थे, और भी कई सारे MCQs बनाए जा सकते हैं, बट मैंने कुछ आपके सामने प्रेजेंट किए, आप अपने अंडरस्टैंडिंग को समझ सकते हैं कि आप कितना सही उत्तर दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।